हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज शुरू कर रहे हैं हम एक नया व्लॉग, और हम लोग आए हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो वो प्लेस क्या है मैं आपको दिखाती हूँ पहुँच के। हम लोग जा रहे हैं एक फेयर में, तो जो लोग ट्राई सिटी में रहते हैं उनको पता है ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग आए हैं एक ट्रेड फेयर में जो लगा हुआ है पंचकुला सेक्टर 20 में। सो गाइज, ये देखिए इसका एंट्रेंस, ये बना हुआ है लंदन ब्रिज की थीम पर। सो कितना अच्छा इसका ये एंट्रेंस लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पर आई हुई है और क्या क्या यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले गाइज एंट्री करेंगे तो आप सबसे पहले आपको स्टॉल दिखेगा ये चीनी मिट्टी के बर्तनों का, और यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तनों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, तो मैंने भी कुछ यहाँ से परचेज़ करा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये सहारनपुर फर्नीचर का स्टॉल दिखेगा सबसे पहले आपको, और ये डायनासोर वाला, तो इसकी टिकट एक्स्ट्रा है 100 रुपीज़ की, तो वो आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेके अंदर देख सकते हैं। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं, तो इस तरीके से ये छोटी बोट्स वगैरह वाली राइड्स भी हैं, तो आप बच्चों बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हमने कौन कौन सी राइड ली है आगे देखते हैं, तो आप लोग भी बताना, आप लोगों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी राइड है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके की यहाँ पर इस तरीके से ये काफ़ी सारे झूले लगा रखे हैं, और ये देखिए हवा में कुछ लटके हुए लोग ऊपर। हमारी राइड तो है तैयार, तो हम लोग बैठने जा रहे हैं इस वाले राइड में, तो चलिए आप भी हमारे साथ। फोन ना गिर जाए यार। तो गाइज अब कर लेते हैं पेट पूजा। तो हमें सबसे पहले स्टॉल ये दिखा मूंग की पकौड़िया का, तो चलो टूटते हैं इसके ऊपर। सो गाइज लास्ट में ये बहुत ही अच्छा एक डांसर्स और ये नगाड़े वाले थे, तो इनका डांस आप देख सकते हैं कितना अच्छा डांस कर रहे हैं भैया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टॉल्स थे बेडशीट वगैरह के और क्रॉकरी वगैरह के, तो इतनी ज़्यादा स्टॉल्स मुझे उतनी नंबर ऑफ स्टॉल्स नहीं दिखी, वैरायटी नहीं दिखी, ज्वेलरी वगैरह की ज़्यादा रिपीटेटिव थी। तो मैं आपको ज़रूर अभी आगे दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज करा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लाइटिंग के लिए, थोड़ा लाइटिंग का इशू है,
तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैंने ओपन भी नहीं करी सामान को अभी। तो ये है छोटा सा टी पॉट। तो वहां पर जो चीनी मिट्टी वाला स्टॉल था उसके पास इस तरीके का टी सेट था पूरा। तो ये उसमें से ये केटल है और इसमें कलर, ये एक मैंने तो स्काई ब्लू परचेज करा है पर इसमें काफी सारे कलर थे, ऑरेंज था और ग्रीन था और ब्लू, डार्क ब्लू भी था। तो इस तरीके से इसके ये कप है और ये सॉसर है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने भी एक परचेज करा है मेरे बेटे के लिए। तो इसमें ये इस तरीके का मिल्क पॉट और शुगर पॉट भी दिया हुआ है। तो इसमें है 4 सॉसर एंड 4 कप्स प्लस एक टी पॉट, एक मिल्क पॉट और एक शुगर वाला जो पॉट होता है वो है। तो ये उसने हमें अराउंड 150 का दिया था। बाकी मैं सारे जितनी भी आइटम्स हैं उनके प्राइजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, बार्गेन जरूर कर लीजिएगा। बार्गेनिंग करने की जो स्किल्स है वो आपके यहाँ पे काम आएंगे कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम इज दिस, ये बाउल्स। तो ये चटनी बाउल्स हैं, ये 2020 के दे रहा था, वो 20 के नहीं दे रहा था एक्चुअली, 100 के 4 दे रहा था, तो 25 ईच हो गए। तो इस तरीके के बाउल्स थे वहाँ पे, वो छोटे छोटे चटनी वाले जो मर्तबान होते हैं छोटे वाले वो भी थे वहाँ पे। तो ये थी सेकंड चीज़ ले लिया है। ज़्यादा कुछ हमने परचेज नहीं करा है, जो स्टॉल्स थे वो काफ़ी रिपीटेटिव थे, ज्वेलरी का ज़्यादा था वहाँ पे, इयर रिंग्स ज्वेलरी और थोड़ा बहुत जैसे मेकअप और एक्सेसरीज का था, स्टॉल्स ज़्यादा थे वहाँ पे। तो बाहर भी कुछ थे जो स्टॉल्स लगे हुए थे जो थोड़े वहाँ पे चीप मतलब प्राइसेस पे मिल रहा था सामान हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का। तो नेक्स्ट आइटम है ये मग्स। तो मैंने ज़्यादातर आइटम जो परचेज करी है वो क्रॉकरी परचेज करी है वहाँ से। तो ये है एक मग, कॉफ़ी मग कह सकते हैं आप इसको, चाय का मग कह सकते हैं। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो खूब भर भर के चाय पीने के लिए काम आएगा ये। तो इसमें ये इस वाले स्टाइल में तो ग्रीन कलर ही अवेलेबल था, और दूसरे वाले में आपको दिखाती हूँ मैंने एक और मग परचेज करा है तो उसका कौन सा स्टाइल है कलर है। तो ये मैंने अभी अनरैप भी नहीं करा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये है, ये इसका स्टाइल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने एक ये वाला परचेज करा है और एक ये वाला। तो जो चाय लवर्स हैं वो इस मग की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है, मैंने ली थी सर्विंग के लिए, फूड सर्विंग के लिए ट्रेस प्लेट या जैसे कह सकते हैं आप कुछ भी सर्वर टाइप। तो इस तरीके की शेप में है ये। तो ये उन्होंने 250 का बोला था पर ये 200 तक का लगा दिया था उन्होंने, तो बार्गेन करना अच्छी बात है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं बार्गेनिंग। तो एक इस तरीके का लिया है मैंने इस शेप में, और एक जो इस तरीके की जो प्लेट्स चल रही हैं वो लिए मैंने। तो ये उनके पास काफ़ी सारी डिज़ाइन में थी, इसमें येलो एंड ब्लू कलर भी था और रेड कलर भी था। तो बट मैंने सिर्फ एक ली क्योंकि काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी उस लिहाज से, 250 की सर्विंग प्लेट्स दे रहा था, तो ये भी मुझे 200 की पड़ी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है मैंने एक दुपट्टा, वहाँ पे दुपट्टों की भी स्टॉल थी, कपड़ों की भी थी स्टॉल्स, बट मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं कपड़ों में, टॉप्स वगैरह थे। तो नॉर्मल 250, 200, 300 तक के टॉप्स थे वहाँ पे, तो मुझे जो ज़रूरत थी मैंने वही लिया, मुझे ये मिला है दुपट्टा। तो इसका कलर बहुत अच्छा है, ये बनारसी दुपट्टा, और मेरे पास कोई बनारसी दुपट्टा है नहीं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया वहाँ पे कलर, प्लस ये काफ़ी सारी ड्रेस पे चल जाएगा। सो दिस इज़ इट। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी वाली है, उसके पास दो तरीके की क्वालिटी थी तो उसमें से ये मुझे ये जो अच्छी वाली क्वालिटी ये मैंने ली है। हमने एक स्टॉल जो यूनिक सा स्टॉल था वो था यहाँ शेड्स का, तो वहाँ से हमने ये 3 शेड्स लिए हैं। तो इस तरीके के कलरफुल वाले शेड्स का कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है तो हमने ये ले लिए। अब इसको पहन के कहाँ जाएंगे वो हमें पता नहीं पर ले लिए बस। तो एक ये लिया है येलो कलर, और एक ये लिया है, ये मैंने लिया है रेड कलर का, वो येलो वाला मेरी सिस्टर ने लिया है, एक ये लिया है रेड कलर का, और एक लास्ट जो पीस हमने लिया है वो कुछ इस तरीके का है, ब्लैक एंड गोल्ड का। तो ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड गोल्ड का। तो ये दोनों तो मुझे 100 के पड़े हैं और ये हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा है क्योंकि इसकी क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका स्टफ़ है। तो दिस इज़ इट।
तो गाइज ये था सब कुछ जो हमने परचेज करा है, ज्यादा कुछ मैंने नहीं लिया वहां से, एक तो रश काफी ज्यादा था तो डर वैसे ही लगता बंदे को, तो इस वजह से हमने ज्यादा कुछ परचेज नहीं करा, जहाँ भीड़ थी हम लोग अवॉइड ही कर रहे थे वहां पे जाने का। तो क्रॉकरी मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जा रहे हैं स्टॉल में सॉरी मेले में, तो आप क्रॉकरी जरूर परचेज कर सकते हैं, वहां पे बार्गेन कर सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके के शेड्स ले सकते हैं 100-100 के में, तो मुझे अच्छे लगे 100-100 रुपीज में, तो ये आपको शॉप वगैरह पे नहीं मिलेगा इतने का। तो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो ब्लॉग हॉल, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी इसकी डिटेल्स है फेयर की मैं डाल दूंगी, अभी 26 तक फेयर लगा हुआ है, तो जो ट्राई सिटी में रहते हैं, ये जो आसपास रहते हैं चंडीगढ़ के, तो वो जरूर जाके ट्राई कर सकते हैं इस फेयर को। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।